कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके लोहा बाजार की जानकारी के साथ मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। लोहे बाजार में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मंडी गोविंदगंज एमएस इंगट एमएस स्क्रैप में किस तरीके से कामकाज, साथ ही साथ कास्ट आयरन का भाव, एचआरसी सीआरसी कॉइल के भाव में किस तरीके से कामकाज, सरिये बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, कहाँ पर आप खरीदारी करें, कहाँ पर आप बिकवाली करें, सारी जानकारी विस्तार से देंगे। जो लोग भी पहली बार हमारे साथ चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग 9:30 का आप शो जरूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मंडी गोविंदगंज एमएस इंगट की बात करी जाए तो लगातार आप बीते 20 से 25 दिनों में देखेंगे बाजारों में एक रेंज बाउंड, एक सीमित दायरे में ही कामकाज हो रहा है। बाजार 48,000 से 49,000 रुपए की रेंज में ही कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार विदेशी बाजारों में आप देख रहे हैं, विदेशी बाजारों में दबाव देखा जा रहा है। आयरन और सीबोन कोक की कीमतों में लगातार ऊपरी स्तर से दबाव जो देखा जा रहा है विदेशी बाजारों में, उसका असर भारतीय बाजारों में साफ साफ देखने को मिल रहा है। भारतीय बाजारों में तेजी आने ना आने का मुख्य कारण यह भी देखा जा रहा है कि जो विदेशी बाजारों में जो गिरावट देखी जा रही है लगातार, जापान चाइना में जो फिनिश गुड्स के रेट्स हैं वो लगातार घटाए जा रहे हैं, इस वजह से भारतीय बाजारों में एक लंबी चौड़ी तेजी का संभावना नहीं बन पा रही है। और बाजारों में आप देख रहे हैं रेंज बाउंड कामकाज हो रहा है। बाजारों में एक दिन पहले 200 रुपए घट जाता है, फिर 200 रुपए की बढ़त हो जाती है, उसी तरीके से बाजारों में एक रेंज बाउंड कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो बाजारों में इसी तरीके का माहौल रहने की संभावना नजर आ रही है, जिस हिसाब से ग्लोबल बाजारों की अस्थिरता देखी जा रही है। और आने वाले समय में बाजारों में जिस हिसाब से जापान आप देख रहे हैं, जापान वगैरह में भी जो एचआरसी सीआरसी कॉइल के रेट जो लगातार घट रहे हैं, उसका असर भारतीय बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। चलिए जानेंगे एमएस इंगट का भाव क्या रहा है। एमएस इंगट का भाव अगर कल की बात करें तो 48,500 रुपए, 100 रुपए की नरमी के साथ बाजारों में कामकाज हुआ। एमएस स्क्रैप का भाव 38,000 रुपए हो गया, इसमें भी 100 रुपए की नरमी देखी गई। एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 10,500 रुपए हो गया। कास्ट आयरन की अगर स्थिति जान लेंगे, मंडी गोविंदगढ़ का भाव टोका का 41,100 रुपये रहा, इंपोर्टेड का भाव 42,100 रुपये रहा। एचआरसी सीआरसी कॉइल की अगर बात कर लेते हैं तो लुधियाना एचआरसी कॉइल का भाव 59,000 रुपये, सीआरसी कॉइल का भाव 64,900 रुपये रहा। गाजियाबाद एचआरसी कॉइल का भाव 60,700 रुपये, सीआरसी कॉइल का भाव 69,000 रुपये देखा गया। इसी तरीके कोलकाता एचआरसी सीट का भाव 57,800 रुपये, सीआरसी सीट का भाव 63,000 रुपये, बाजारों में कामकाज होता हुआ देखा गया। रायपुर एचबी वायर की स्थिति जान लेते हैं, रायपुर एचबी वायर का भाव 54,200 रुपये, जीआई वायर का भाव 58,500 रुपए, एमएस पाइप का भाव अगर गोविंदगढ़ पाइप की बात करेंगे 54,700 रुपए, रायपुर पाइप का भाव 51,200 रुपए। बाजारों में नरमी के साथ ही कामकाज देखा गया। टीएमटी की स्थिति जान लेते हैं, मंडी गोविंदगढ़ टीएमटी में भी गिरावट देखी गई। मंडी गोविंदगढ़ टीएमटी का भाव 53,300 रुपए हो गया, दुर्गापुर का भाव 51,100 रुपए, इंदौर का भाव 55,200 रुपए, रायपुर का भाव 50,500 रुपए। और इसी तरीके अगर बात करेंगे, जयपुर का भाव 53,200 रुपए, मुजफ्फरनगर का भाव 51,600 रुपए, भावनगर का भाव 56,000 रुपए, गाजियाबाद का भाव 52,800 रुपए, जलना का भाव 55,000 रुपए, पटना टीएमटी का भाव 52,300 रुपए रहा। सभी आप टीएमटी के भाव में देख के चल सकते हैं, ऊपरी स्तर से 300-400 रुपए प्रति टन की नरमी देखी गई। आपको बता देते हैं, अगर किसी भी प्रकार की रेट्स की आपको जानकारी जाननी है तो आप लोग ऑथेंटिकेट सर्विस है, आप एबी लाइव का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉइड आईफोन दोनों पर अवेलेबल है, पेड सर्विस है, इसका आप ट्रायल लेके आप जानकारी लेके चल सकते हैं। चलिए जानेंगे मंडी गोविंदगढ़ में आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है। मंडी गोविंदगढ़ में अगर आज की सपोर्ट की बात करें तो फिलहाल 48,200 से 48,000 रुपए का ही सपोर्ट बाजारों में कामकाज करेगा। रेजिस्टेंस का लेवल 48,900 रुपए, पुराने लोहे की अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो 37,500 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 38,400 रुपए बाजारों में रेजिस्टेंस देखा जाएगा। तो बाजारों में ओवरऑल आउटलुक बाजारों में जिस हिसाब से ग्लोबल अस्थिरता बाजारों में हल्का फुल्का दबाव बढ़ता हुआ आप देख के चल सकते हैं, लेकिन बाजारों में अपनी रेंज बाउंड के हिसाब से बाजारों में आप निचले स्तर पे फिर से आप खरीदारी करिए। निचले स्तर से आपको 400 से 500 रुपए की बढ़त दिखाई देगी। आप एंगल गार्टर चैनल में भी आप गिरावट पे आपको खरीदारी करने का एक अच्छा मौका है बाजार, लेकिन बाजारों में एक रेंज बाउंड में ही कामकाज होता हुआ नजर आएगा। लंबी चौड़ी फिलहाल तेजी की संभावना नहीं नजर आ रही है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।